एलओडी क्लब के पास है, थम्मेल में है। हाँ कुछ सा दिखाना है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिलहाल मैं जो हूँ नेपाल में काठमांडू में, ठीक है, कुछ यहाँ हॉस्टल में होटल में था, गेस्ट हाउस कुछ होटल रूम है, अच्छा खासा रूम है, ठीक है, कुछ ऐसा है। फिलहाल आप देखते रहे, रूम यहाँ पे है बहुत सारा। फिलहाल मैं इस रूम में था, यहाँ पे दो बेड है, यहाँ पे बालकनी भी है, ठीक है, अच्छा रूम है, आप रह सकते हो एक दिन में के लिए, अच्छा आदमी है। और ये यहाँ पर देख सकते हो ऐसा टॉयलेट बाथरूम है, ठीक है। इस रूम का जो है ओनर जो है अच्छा है, बातचीत अच्छा करता है, आपको जो भी चाहिए दे सकता है, प्रॉब्लम नहीं है। सभी रूम जो है कुछ ऐसा ऐसा है, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। और ये रूम है, यहाँ पे ये भी रूम है, इस रूम में भी देख सकते हैं कुछ ऐसा है। यहाँ ये भी दो बेड है, वहाँ पे भी खिड़की है, विंडोज, और आप देख सकते हैं। हाँ एक ही है इसमें जो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ठंडा है, एसी का दरकार भी नहीं है, अब फैन चला के उसी में ठंडा लग जाएगा, ठीक है। हम लोग फर्स्ट फ्लोर में थे, फिलहाल आगे बढ़ते हम चेकआउट कर दिए, दिखाते हैं आप। चलिए फिलहाल हम जा रहे हैं, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ओनर, हम करके दिखाता हूँ, इनका बेटा है और ये मेन ओनर है। आपका नाम बता दीजिए। जय श्री कृष्ण, गुरुजी नाम है हमारा। इनका नाम गुरुजी है, ठीक है। आप यहाँ पे भी जो है रह सकते हैं, और एक गेस्ट हाउस कुछ ऐसा है, यहाँ पे बाहर का नज़ारा है, अच्छा है, यहाँ पे रह सकते हैं आप। इस जगह का नाम माछा पुकुर है। माछा पुकुर, काठमांडू आओगे तो माछा पुकुर इसमें रह सकते हो, इस होस्टल में, होटल में। 500 ये कुछ गेस्ट हाउस का बाहर का रूम ऐसा है, ठीक है। और नाम आप देख सकते हैं, मैं इसको बैक कमरा करके दिखाता हूँ। ये गली जो है अच्छा है, कोई भी आपको टेंशन वाली बात नहीं है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम है, कभी भी आओ या आप यहाँ पे रह सकते हो। आपको गाड़ी फाड़ी भी अगर चाहिए तो यहाँ से गाड़ी भी दिला देगा, खाना पीना भी खाओगे तो यहाँ से आपको खाना पीना भी खिला देगा। आगे बढ़ते हैं, और हम लोग जा रहे हैं आज पोखरा की ओर, फिलहाल बस स्टॉप की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ का बस स्टॉप भी दिखा देते हैं आपको, और यहाँ से निकालने जो है आपको ये गेस्ट हाउस का नाम भी दिख जाएगा, और यहाँ पे लॉन्ड्री भी कर सकते हो। 100 नेपाली रुपया में 1 kg कपड़ा धोल सकते हो, और अगर प्रेस करोगे तो 40 बात बोल जाऊँगा, नेपाली रुपया प्रेस का 1 kg 40 बात, 40 नेपाली रुपया, 40 नेपाली रुपया प्रेस, और लॉन्ड्री का 100 नेपाली रुपया। फिलहाल बाहर का भी सुबह सुबह का टाइम है, 7 बजे, फिलहाल हमें जो है बस लेना है, इसलिए जो है चले फिलहाल बस पे मिलते हैं जाकर। दोस्तों ये कुछ एरिया, ये मोड़ है, और यहीं से हुए कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये कुछ बैंक है या मार्केट है, इसको कहते हैं माछा पुकुर। और इस तरफ जो है आपको पहाड़ दिखेगा, यहीं से जो है आप लोकल बस में चढ़ सकते हो, और उस तरफ जाओगे तो आपको जो है बस डिपो मिलेगा। चलिए फिलहाल हम लोग ऊपर उस तरफ जा रहे हैं, मिलते हैं। और इस तरफ जो है सुबह सुबह जो है रोड पे बाज़ार मिलता हुआ, ठीक है, आप देख सकते हैं पूरा इस एरिया में जो है आपको नीचे शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए पूरा दुकान मिल जाएगा, और यहाँ से जो है खूबसूरत पहाड़ देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं, ये कुछ इस तरह से बाज़ार का नाम, इस एरिया का नाम। यहाँ पे भी जो है पूरा मंडी लगा हुआ है, ठीक है, फिलहाल मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ, फिलहाल ऐसे देख सकते हो उस एरिया का नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत सुबह सुबह मॉर्निंग व्यू। दोस्तों ऐसे कुछ जो है ये लोग बाज़ार बेचते हुए, सब्जी बेचते हुए अपने कंधे पे ले जाते हैं, ऐसे बेचते हुए, ठीक है। यहाँ पे जो है रोड पे उठा देता है, ज़्यादा टाइम नहीं रुकने देता है, ये लोग जो है सुबह से लगा देता है, ऐसे अपना रास्ते पे बेचना है तो आप बेच सकते हैं। यहाँ पे जो है डायरेक्ट ऐसे बेचो और खरीदो सब्जी, सुबह सुबह जो है कोई भी जो है पैसा देना नहीं पड़ता, रोड में जो है
ठेला लगा देता है, पुलिस गाड़ी जो है अभी आ रहा है। ऐसा है यहाँ का सिस्टम सुबह सुबह। लेकिन बाजार में जो है आप प्रॉपरली बैठ सकते हैं। ये सब जो है अपना अपना सब सामान लेके आता है, बेचता है। लेकिन ये रोड जाम हो जाता है, इसलिए जो है सुबह के टाइम में लोग जितना टाइम चाहे बेच दो। अब जो है 8 बजने का इन लोगों का लास्ट टाइम है, फिलहाल अभी 7:30 बजे है। और यहाँ ऐसा फल फूल का दुकान है, फिलहाल यहाँ पे भी जो है मनी एक्सचेंज कर सकते हो। यही से मैं चेंज किया था, ठीक है, अच्छा रेट दे देगा। यही है मनी एक्सचेंज का शॉप। चलिए फिलहाल मैं बस स्टॉप पे जाते मिलता हूँ, यहाँ पे बहुत कुछ है देखने के लिए। यहाँ तो यहाँ कुछ आलू बकाड़ा बेच रहा है, देखता हूँ और आगे मिलता हूँ। ये देख सकते हैं भाई कुछ जो है आलू बकाड़ा बेचते हुए, ठीक है, बोला है इंडिया में जाके जो है मेरा नाम बोल दो। आपका नाम बोल दो था पहले। सर मेरा नाम मन बहादुर है। मन बहादुर सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहादुर सिंह नहीं। अच्छा, मन बहादुर है सिर्फ। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। फिलहाल खाना पैक कर लिया, यहाँ से इस होटल में आ सकते हैं। ये नाम देख सकते हैं कुछ ऐसा है, अच्छा खाना मिलेगा आपको। ये इसका मैं बैक कमरा करके दिखा, कुछ ये दुकान है, अच्छा खाना है, खा सकते हैं यहाँ पे। इस एरिया का यही है, माशा पुपुर का एरिया में। आप कभी भी आओ तो इस होटल में खाओ, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, फिलहाल मैं बस स्टॉप के ओर बढ़ रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कुछ ऐसा एरिया है, माछा पुपुर इसको कहते हैं। यहाँ पे जो है आगे जो है ब्रिज है, और इस ब्रिज को पार करोगे तो आपको बस स्टॉप मिलेगा, ठीक है। कुछ यहाँ पे जो है मार्केट भी बैठता है साइड में, ठीक है। ये कुछ ऐसा एरिया है, देख सकते हैं। चलिए फिलहाल और आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो ठंडा है भाई, और अभी धूप निकला है, थोड़ा गर्मी हो रहा है सुबह सुबह का मौसम है। और इस आपको ऐसा कुछ दिखेगा, ये देखो शाम के टाइम में जो है इसका अलग ही रौनक मिल जाता है। और यहाँ पे भी जो आप ढूंढते रहते हो यहाँ पे मिलेगा, आप समझ लो। ये कुछ ऐसा देख सकते हो, ऐसा यहाँ पे जो है बस स्टॉप है, और पीछे देख सकते हो ऐसा कुछ भीड़ चल रहा है अभी भी, आप समझ लो, ठीक है। यहाँ पे जो है अच्छा खासा लड़की लोग जो है कुछ डील कर रहा है, आप समझ लो क्या क्या है जो भी है। तो एक सिनेमा हॉल भी है, लोटस सिनेमा हॉल बोलते हैं, वो नाम देख के आ सकते हो। और वो है बस स्टॉप, और वो है लोटस सिनेमा हॉल। इसका मैं पता किया, कल रेट किया। इसका जो है टिकट का फेयर है, मतलब जो पिक्चर देखोगे उसका टिकट का कॉस्ट है 400 नेपाली रुपया, ठीक है। आप कभी भी आओ तो इस हॉल पे आना, ठीक है ना। आगे बढ़ते मैं हॉल भी दिखा देता हूँ आपको दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी है आपका सिनेमा बॉक्स ऑफिस, ये देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ पिक्चर भी चल रहा है, ठीक है। ये लोटस मॉल, और इसी के पीछे में जो है बस स्टॉप आपको मिलेगा, बस डिपो, ठीक है। ये वाला जो है यही से जो है बस डिपो है। फिलहाल इस तरफ जो है आपको वो पहाड़ दिखेगा, हम लोग जो थे माछा पुकुर एरिया में। और वो आगे जो है आपको थोड़ा मार्केट मिलेगा कपड़ा वपड़ा ख़रीदने के लिए। कुछ ऐसा है यहाँ का एरिया का, अब नज़ारा देख सकते हैं दोस्तों। फिलहाल मैं बढ़ रहा हूँ और बस डिपो के ओर, वो बस डिपो आ गया। और यहाँ पे जो है लोटस मॉल कुछ ऐसा है, यहाँ सामने का तरफ दिखता है। और यहाँ पर जो है कुछ चॉकलेट फॉकलेट बेचते हुए दुकान दिखेगा आपको, ऐसा कुछ चॉकलेट मिलता रहेगा। चलिए फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ, चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं, और आगे जाके आपको वहाँ से जो है बुकिंग है। चलो फिलहाल जो है बस डिपो का, और ये कुछ ऐसा है बस डिपो, और वहाँ पे जो है बस टिकट काउंटर, ठीक है। ये यहाँ से जो है आपको हर जगह का बस मिल जाएगा, ठीक है। ये बस डिपो है, चल मैं बस काउंटर पे आ गया, देखता हूँ वहाँ पे कुछ। यहाँ आ सकते हैं, और यहाँ नंबर पे आप ले सकते हैं कोकला का टिकट, ठीक है। 21 नंबर पे कल मैं बात करके गया था। चलिए फिलहाल दोस्तों बैठ गए हम इस खटारा बस में, और इस खटारा बस का जो है किराया आप देख सकते हैं टिकट का कुछ
650 का पड़ा हुआ है, ठीक है। बस खटारा है लेकिन ये भागेगा बहुत स्पीड में क्योंकि छोटा बस है। अगर आप एक्सप्रेस बस में जाओगे कुछ ऐसा दिखेगा, चलिए मैं आपको देता हूँ। अगर आप एक्सप्रेस बस में जाओगे कुछ ऐसा दिखेगा, उसके लिए जो है कल बात करके गया था 700 बोला, आज बात कर रहा हूँ तो बोल रहा है 750। तो इस वजह से जो है मैं उस बस पर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो आधा जो है 50 रुपये का रेट जो है बढ़ा दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा। कल जो है मैं बात करके गया 700 में बोला, 900 एसी में, ठीक है। और बाकी इस बस जो है 650 लिया है, लेकिन ये बस जो है छोटा है, सीट मोटा मोटी है, उतना खास नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, खाली ये बोल रहा है कि मैं जल्दी पहुँचाऊँगा, इस वजह से जो है मैं इस बस को चुना और बैठ गया। चलिए फिलहाल मैं और रास्ते पे और कुछ दिखता है तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ होल्ड होता है और कितने बजे पोखरा में पहुँचता है। फिलहाल अभी टाइम हुआ है दोस्तों, फिलहाल बस चलने के लिए रेडी है। बस में जो है पब्लिक नहीं हुआ है लेकिन रेडी है क्योंकि इसका टाइम हुआ है। और ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो है टाइमिंग हुआ है 9:40।